हेलो गाइस, मेरा नाम विजय। तो गाइस, आज इस वीडियो अनबॉक्सिंग करूंगा रेडमी के 9A स्मार्टफोन की, जो कि आता है मीडियाटेक के एकदम लेटेस्ट G25 प्रोसेसर के साथ में, जो कि एक बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है फॉर एंट्री लेवल स्मार्टफोन्स। तो यहाँ पे ये डिवाइस आता है एक बहुत ही तड़कते भड़कते प्राइस के साथ में, और गाइस इंडिया में भी ये डिवाइस बहुत ही ज्यादा जल्दी लॉन्च हो जाएगा, बिकॉज रेडमी 8A, 7A, 6A सारे ही डिवाइसेस इंडिया में लॉन्च हुए थे। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये डिवाइस भी, जो कि रेडमी 9A है और सक्सेसर है 8A का, बहुत ही जल्दी इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। तो आप इस वीडियो में एकदम एंड तक बने रहिएगा, बिकॉज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा इस मोबाइल का दुबई का प्राइस, जो कि बहुत ही एक अमेजिंग प्राइस में आया है ये डिवाइस, और लास्ट ईयर की रेडमी 8A से भी सस्ता है इवन। तो यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस डिवाइस का दुबई का प्राइस, और आपको बताऊंगा कि कब ये इंडिया में आ सकता है। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा बिना स्किप करे, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज ये है बॉक्स Xiaomi के Redmi 9A स्मार्टफोन का, जिसके सामने की तरफ यहाँ पे 9A के कुछ कलर वेरिएंट्स यहाँ पे दिखाए गए हैं, और नीचे की तरफ हमें यहाँ पे मिल जाते हैं इस स्मार्टफोन के कुछ स्पेसिफिकेशंस। तो जो वर्जन यहाँ पे मैं अनबॉक्स कर रहा हूँ वो आता है 2GB रैम और 32GB की इंटरनल स्टोरेज के साथ में। यहाँ पे हमें एक्सपेंडेबल स्टोरेज का ऑप्शन भी मिल जाता है, बिकॉज ये 32GB और 2GB वेरिएंट एक इकलौता वेरिएंट है इस डिवाइस के अंदर आने वाला। तो 32GB थोड़ा सा कम है इंटरनल स्टोरेज के मामले में, तो आप यहाँ पे इसको microSD कार्ड डाल के एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इस स्मार्टफोन को जल्दी से अनबॉक्स कर लेते हैं। तो गाइस जो वर्जन में यहाँ पे अनबॉक्स कर रहा हूँ वो आता है इस पिकॉक ग्रीन कलर में, जो कि बहुत ही ज्यादा एलिगेंट लगता है हाथ में उठाते ही। तो इसे रखता हूँ मैं साइड में और देखते हैं कि बॉक्स के अंदर हमें और क्या कंटेंट्स देखने के लिए मिल जाते हैं। तो इस साइड यहाँ पे हमें इस फोल्डर के अंदर यहाँ पे एक पेपर वर्क मिल जाता है इसी स्मार्टफोन का। तो यहाँ पे कवर इस बार मिसिंग है बिकॉज ऑफ कॉस्ट कटिंग, बिकॉज ये स्मार्टफोन लास्ट ईयर के रेडमी 8A से थोड़ा सा सस्ता यहाँ पे लॉन्च करा है Xiaomi ने। और यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल जाता है एक सिम इजेक्टर टूल, जिसे मैं रखता हूँ यहाँ पे साइड में। और यहाँ पे फाइनली हमें देखने के लिए मिल जाता है इसी स्मार्टफोन का चार्जर, जहाँ पे अगर इस एडेप्टर की रेटिंग की अगर बात करूँ तो ये एडेप्टर आता है 5W एट 2M की रेटिंग के साथ में। तो ये एक्चुअली एक 10W का एडेप्टर है इसी स्मार्टफोन की 5000mAh की बैटरी को चार्ज करने के लिए। और यहाँ पे केबल की अगर बात करूँ तो इस बार हमें एक USB टाइप सी के बदले एक USB 2.0 केबल देखने के लिए मिल जाती है इसी स्मार्टफोन के अंदर, अगेन कॉस्ट कटिंग। तो गाइस सारी चीज़ों को रखते हैं साइड में, आते हैं अपने मेन प्रोडक्ट की तरफ, जो कि Redmi 9A स्मार्टफोन। तो यहाँ पे डिवाइस आता है एक पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ में, जहाँ पे हमें बहुत ही बोल्ड कलर्स देखने के लिए मिल जाते हैं, लाइक दिस पीकॉक ग्रीन, जो कि आता है इस टेक्सचर्ड फिनिश के साथ में, जो कि इससे बहुत ही ज़्यादा बोल्ड बना लेता है होल्ड करने में, और बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम फिनिश दे देता है एक प्लास्टिक बॉडी के साथ में। तो गाइस ये डिवाइस आता है एक 13MP के सिंगल रियर कैमरा के साथ में, जो कि यहाँ पे लगा हुआ है। और यहाँ पे हमें मिलता है एक फ्लैश एसी के साथ में, तो इस कैमरे के बारे में बाद में बात करूंगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि सिंगल रियर कैमरे होने से इस डिवाइस का कैमरा बिल्कुल भी खराब नहीं हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे ब्रांड्स यहाँ पे नंबर्स दिखाने के लिए 2 या 3 कैमरा डाल तो देते हैं, जो कि एक मैक्रो सेंसर डाल देते हैं, एक डेप्थ सेंसर डाल देते हैं, लेकिन वो कैमरा इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ चीप लेंसेज बींग यूज इन डीज स्मार्टफोन्स, बिकॉज ये यहाँ पे एक एंट्री लेवल स्मार्टफोन से और कैमरा यहाँ पे सेकेंडरी कैमरा इतने ज्यादा अच्छे यूज नहीं होते हैं। तो सिंगल कैमरे के साथ में भी एक अच्छी परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। जो चीज यहाँ पे सही नहीं है वो है यहाँ पे एक फिंगरप्रिंट सेंसर का ना होना, अगेन कॉस्ट कटिंग। यहाँ पे फोन को चीप बनाने के लिए Xiaomi ने डिच कर दिया इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर। यहाँ पे अगर फिंगरप्रिंट स्कैनर होता तो बहुत ही अच्छी बात होती। तो यहाँ पे हमें रिलाई करना पड़ेगा इस डिवाइस के फेस अनलॉक के साथ में। बात करते हैं इस डिवाइस के फिजिकल ओवरव्यू की, तो राइट साइड में हमें देखने के लिए मिल जाता है ये वॉल्यूम रॉकर, उसके पास में यहाँ पे लगा हुआ है इस डिवाइस का पावर बटन। लेफ्ट साइड की अगर बात करें तो यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल जाता है एक सिम ट्रे, जिसे यहाँ पे रिमूव करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये डिवाइस एक्चुअली आता है ड्यूअल सिम के साथ में, और उसके पास में यहाँ पे आपको एक डेडिकेटेड microSD कार्ड स्लॉट देखने के लिए भी मिल जाता है। यहाँ पे एक रबड़ मटेरियल लगाया हुआ है, ताकि अगर एक्सीडेंटली आप इस डिवाइस को पानी वगैरह में गिरा देते हैं तो थोड़ा बहुत ये कवर यहाँ पे इसे कर लेगा। बॉटम की अगर बात करें तो यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल जाता है एक माइक्रो USB 2.0 स्लॉट, जो कि एक थोड़ा सा आउटडेटेड स्लॉट लगता है आज की डेट में, और मैं बहुत टाइम बाद कोई डिवाइस अनबॉक्स कर रहा हूँ विद माइक्रो USB 2.0। और यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल जाता है इसका माइक, और यहाँ पे फाइनली देखने के लिए मिल जाता है इसका स्पीकर, जो कि एक मोनो स्पीकर है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही ज्यादा लाउड साउंड प्रोड्यूस कर देता है ये। और यहाँ पे ऊपर की साइड यहाँ पे हमें मिल जाता है एक 3.5mm हेडफोन जैक। तो
ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि आपको इस डिवाइस में एक 3.5 mm हेडफोन जैक मिल जाता है, तो आपको यहाँ पे कोई भी एडेप्टर वगैरह यूज नहीं करना पड़ेगा अपने हेडफोन्स लगाने के लिए। सामने की तरफ हमें मिल जाता है एक 32 MP का फ्रंट कैमरा। सामने की तरफ यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशंस भी देखने के लिए मिल जाते हैं हमें इस डिवाइस के, जो कि कहते हैं कि Redmi 9A स्मार्टफोन आता है 6.53 इंच की HD+ डॉट ड्रॉप डिस्प्ले के साथ। तो डॉट ड्रॉप टेक्नोलॉजी यहाँ पे थोड़ी सी पुरानी हो गई है और मेरे को पर्सनली ये बिल्कुल भी नहीं पसंद आती है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल लुक। और यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल जाती है एक 5000 mAh की बैटरी, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे इस वीडियो में। MediaTek Helio G25 जो कि लेटेस्ट प्रोसेसर है और MediaTek ने अभी ही लॉन्च करा है, तो ये डिवाइस है पहला ऐसा स्मार्टफोन जो कि इस MediaTek के प्रोसेसर के साथ में आता है। एंड देन फाइनली यहाँ पे इसके कैमरा के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई हुई है, तो मैं जल्दी से इस डिवाइस को बूट कर लेता हूँ। तो बूट करते ही यहाँ पे हमें मिलती है Redmi की ब्रांडिंग और नीचे मिलता है पावर्ड बाय Android। यहाँ पे हमें मिलती है MIUI की ब्रांडिंग, तो ये डिवाइस आता है प्रीलोडेड विद MIUI 12। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि एक बिल्कुल ही एंट्री लेवल डिवाइस में यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन ऑफ MIUI यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल जाता है, विच इज MIUI 12। तो मैं जल्दी से इस डिवाइस को सेटअप कर लेता हूँ और आगे इस वीडियो में बात करेंगे इस डिवाइस के डिस्प्ले के बारे में, इस डिवाइस की परफॉर्मेंस के बारे में, कैमरा के बारे में, UI के बारे में और बैटरी लाइफ के बारे में। एंड देन फाइनली इस वीडियो में आपको बताऊंगा इस डिवाइस की दुबई की प्राइसिंग। तो गाइस मैंने कर लिया इस डिवाइस को सेट। बात करते हैं इस डिवाइस के डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ पे हमें मिल जाती है 6.53 इंच की HD+ रेजोल्यूशन के साथ आने वाली डिस्प्ले विद दिस डॉट ड्रॉप डिजाइन। डॉट ड्रॉप डिजाइन थोड़ी सी आउटडेटेड हो गई है मैं कहूंगा, लेकिन ये डिस्प्ले यहाँ पे बहुत ही ज्यादा विविड लगती है, कलर्स बहुत ही ज्यादा प्योर और बहुत ही ज्यादा खिले हुए से आते हैं। और यहाँ पे हमें इसकी डिस्प्ले में मैक्सिमम ब्राइटनेस मिल जाती है 400 nits की, Xiaomi क्लेम करता है, जो कि इस डिस्प्ले को बहुत ही ज्यादा ब्राइट बनाती है। तो आप यहाँ पे इससे सनलाइट वगैरह में भी बहुत ही इजीली देख सकते हैं इस डिस्प्ले को। और यहाँ पे अगर मैं अलग अलग एंगल से भी इस डिस्प्ले को देखता हूँ तो भी इजीली डिस्प्ले विजिबल है। तो डिस्प्ले के मामले में प्राइस के हिसाब से बहुत ही अच्छा काम करा है यहाँ पे Xiaomi ने। एक चीज यहाँ पे जो अच्छी नहीं है वो है ये डिस्प्ले आती है सिर्फ 720p रेजोल्यूशन के साथ में, जिससे कि आप अगर YouTube वीडियोस वगैरह भी देखते हैं इस डिवाइस के अंदर तो आपको यहाँ पे 720p में ही काम चलाना पड़ेगा, जो कि एक अच्छी बात नहीं है 2020 के स्टैंडर्ड्स में। तो गाइस ये हो गई इस डिवाइस की डिस्प्ले की बात। अब अगर बात करते हैं इस डिवाइस की परफॉर्मेंस की, तो ये डिवाइस आता है MediaTek के Helio G25 प्रोसेसर के साथ में, जो कि एक 12 nm का प्रोसेसर है। और यहाँ पे MediaTek क्लेम करता है कि ये बहुत ही अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस दे देगा आपको एट एन अफोर्डेबल प्राइस रेंज। और ये डिवाइस आता है पावर VR ग्राफिक्स के साथ में, तो यहाँ पे Xiaomi क्लेम करता है कि ये आपको एंट्री लेवल प्राइस सेगमेंट में एक बहुत ही अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस प्रोवाइड करा देगा। तो आप यहाँ पे गेम्स लाइक PUBG, Asphalt 9, मोबाइल लीजेंड्स वगैरह प्ले तो कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि यहाँ पे 2GB की रैम के साथ में आपको थोड़ी सी लैग देखने के लिए मिल जाएगी इस डिवाइस के साथ में गेमिंग के साथ। और यहाँ पे बात करते हैं इस डिवाइस के रियल लाइफ परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे मैं आपको कुछ एप्स वगैरह लोड करके दिखा देता हूँ, देखेंगे कि कितनी फास्ट ऐप लोड होती है और यहाँ पे कितनी देर तक इसकी रैम के अंदर रह जाती है। तो सबसे पहले खोलते हैं अपना फोन डायलर, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं थोड़ा सा लाइक कुछ सेकंड का, 1 या 2 सेकंड का टाइम ले रहा है ये एप्लीकेशन को खोलने में। ऑल्सो यहाँ पे फर्स्ट टाइम मैं किसी एप्लीकेशन को ओपन कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि उसकी वजह से थोड़ा सा टाइम ले रहा हो। तो ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम यहाँ पे ले रहा है अगर इसे कंपेयर करते हैं किसी मिड रेंज स्मार्टफोन के साथ में, तो ये थोड़ा सा स्लो हो जाता है उस डिवाइसेस के सामने। अब इन एप्लीकेशंस को मैं दोबारा से खोल के देख लेता हूँ और देखते हैं कि रैम में स्टोर्ड हैं अभी या फिर यहाँ पे उड़ गए हैं। तो ये है क्रोम यहाँ पे रीस्टार्ट हुआ है। और बात करते हैं गैलरी की, तो गैलरी भी यहाँ पे रीस्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पे अराउंड 1 सेकंड का एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए आप टाइम मान लीजिए, बिकॉज एप्लीकेशन यहाँ पे 1 से 2 सेकंड के बीच का टाइम ले रही है ओपन होने में। तो ये थी इस डिवाइस की रियल लाइफ परफॉर्मेंस। बात करते हैं इस डिवाइस के कैमरा की, तो यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ कैमरा सैंपल्स रिकॉर्ड कर लिए हैं बाहर जाके, देखते हैं इस डिवाइस से रिकॉर्ड करी हुई ये फ्रंट कैमरा की फुटेज। ओके, और ये फुटेज इस वक्त मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस डिवाइस के 5 MP के फ्रंट कैमरा के साथ में, जो कि आता है f/2.4 aperture के साथ में, तो यहाँ पे आप मुझे बताइएगा कि कैसी आपको ऑडियो क्वालिटी और कैसी इमेज क्वालिटी मिल रही है इस डिवाइस के फ्रंट कैमरा के साथ में। मैं यहाँ पे नोटिस कर रहा हूँ कि थोड़ी सी ग्रेनी है और यहाँ पे इवन रिकॉर्ड करते टाइम भी थोड़ा सा लैग कर रहा है इसका कैमरा। पीछे आप देख सकते हैं होटल हयात रेगेंसी, तो यहाँ पे डिटेल्स के मामले में मैं जरूर कहूँगा कि फ्रंट कैमरा से आपको इतनी अच्छी क्वालिटी देखने के लिए नहीं मिल रही है।
तो गाइज ये फुटेज रिकॉर्ड करी गई इस डिवाइस के रियर कैमरा यूनिट के साथ में, जो कि एक्चुअली है एक 13 मेगापिक्सल का रियर यूनिट, जो कि आता है f2.2 अपर्चर के साथ में, रियर कैमरा यूनिट के साथ में जो कि आता है f2.2 अपर्चर के साथ में। और यहाँ पे मैं अगेन नोटिस कर रहा हूँ कि लो लाइटिंग कंडीशन में थोड़ा सा आपको ग्रेन और नॉइज देखने के लिए मिल जाता है इस कैमरा के साथ में। मैंने यहाँ पे जूम कर रखा है बिल्कुल 10x, जो कि मैक्सिमम जूम है इस डिवाइस के अंदर। और यहाँ पे भी मैं कहूँगा कि बहुत ही ज्यादा ब्लरी और बहुत ही ज़्यादा फोकस की कमी लग रही है इस डिवाइस के साथ में। दैट्स व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम एंट्री लेवल स्मार्टफोन्स कैमरा। तो गाइस नेचुरल लाइटिंग में तो मैं इस डिवाइस के कैमरा को टेस्ट कर चुका हूँ और यहाँ पे बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर देता है, जहाँ पे आपको एक क्लियर और शार्प इमेजेस देखने के लिए मिल जाती है और फोटोज़ और वीडियोस भी इवन यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे कलर्स के साथ में देखने के लिए मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे डार्क सिचुएशंस में इसका कैमरा थोड़ा सा स्ट्रगल करता है, बिकॉज यहाँ पे ये आता है एक 13 मेगापिक्सल के f2.2 अपर्चर के साथ आने वाले यूनिट के साथ में, जो कि थोड़ा सा बिलो स्टैंडर्ड है इस डिवाइस के हिसाब से। तो दिन के समय यहाँ पे फेयरली डिसेंट इमेज क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी यहाँ पे डिवाइस प्रोवाइड करा देता है, लेकिन रात के टाइम की अगर मैं बात करूँ तो ये डिवाइस आता है एक 13 मेगापिक्सल की यूनिट के साथ में विद f2.2 अपर्चर, जिसके चलते यहाँ पे आपको थोड़ी सी ग्रेनी और थोड़ी सी नॉइस के साथ आने वाली इमेज देखने के लिए मिल जाती है। ओवरऑल मैं कहूँगा कि ये डिवाइस एक एवरेज परफॉर्मर है इन टर्म्स ऑफ कैमरा फॉर एन एंट्री लेवल डिवाइस। यहाँ पर भी जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि यहाँ पे ये मैंने पोर्ट्रेट मोड के साथ पिक्चर क्लिक करी है। यहाँ पे मैंने फोकस करा था अपने हाथ के ऊपर, उसके बाद भी यहाँ पे मेरे हाथ पे फोकस नहीं हुआ है और एक बहुत ही बिलो एवरेज सी इमेज क्वालिटी यहाँ पे इस डिवाइस ने प्रोवाइड कराई है विद द रियर कैमरा यूनिट ऑफ 13 मेगापिक्सल। तो यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगा कि इस डिवाइस का कैमरा बिल्कुल ही बेकार है, एक डिसेंट कैमरा है इस प्राइस रेंज के हिसाब से। तो गाइस अब अगर बात करते हैं इस डिवाइस के हाइलाइटिंग फीचर की, जो कि है इस डिवाइस का यूजर इंटरफेस और इस डिवाइस की बैटरी लाइफ, तो यहाँ पे ये डिवाइस शिप होता है विद द लेटेस्ट MIUI 12 आउट ऑफ द बॉक्स दैट कम्स ऑन टॉप ऑफ एंड्रॉइड 10 विच इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ एंड्रॉइड। तो ये UI मैं कहूँगा कि हाइब्रिड है iOS और एंड्रॉयड की। यहाँ पे आपको एकदम सेम सा कंट्रोल सेंटर देखने के लिए मिल जाता है, जैसे कि आपको आईफोन्स के अंदर देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन वगैरह देखने के लिए मिल जाएंगे इस डिवाइस में, और यहाँ पे राइट साइड से अगर आप स्वाइप डाउन करोगे तो यहाँ पे आपको कंट्रोल सेंटर देखने के लिए मिल जाएगा इस डिवाइस का। तो ओवरऑल मैं कहूँगा कि यूज़र इंटरफेस के मामले में Xiaomi ने बहुत ही अच्छा काम करा है विद MIUI 12। मेरे को पर्सनली बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही है, ये बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, ट्रांजिशंस बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव करे हैं और टेक्स्ट वगैरह भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बोल्ड कर दिए गए हैं। और Xiaomi यहाँ पे प्रॉमिस करता है कि यहाँ पे आपको थोड़ी सी कम ऐड देखने के लिए मिलेगी एज़ कम्पेयर टू द MIUI 11, जो कि कभी कभी बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता था MIUI के अंदर एड्स वगैरह का आना। और यहाँ पे अगर बात करूँ इस डिवाइस के फेस अनलॉक की, बिकॉज यहाँ पे आपको कोई भी फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने के लिए नहीं मिलता है, तो ये डिवाइस टोटली रिलाई करता है फेस अनलॉक की, जो कि फेयरली बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मतलब मैंने ये डिवाइस खोला और ये अनलॉक हो गया, तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है लेकिन थोड़ा सा लेस सिक्योर है, बिकॉज कोई भी IR सेंसर वगैरह के साथ में नहीं आता है। बात करते हैं इस डिवाइस की बैटरी लाइफ की, तो बैटरी लाइफ यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ग्रेट है इस डिवाइस के अंदर, बिकॉज ये डिवाइस शिप होता है 5000 मिली एम्पावर की बैटरी के साथ में। तो यहाँ पे बैटरी लाइफ आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी मिलने वाली है, यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2 दिन तक की आपको बैटरी लाइफ इस डिवाइस के साथ में मिल जाएगी और नॉर्मल यूजेज, बिकॉज यहाँ पे एक HD डिस्प्ले यूज़ की हुई है इस डिवाइस के अंदर और ये डिवाइस आता है एक 12 नैनोमीटर के प्रोसेसर के साथ में। तो ऑप्टिमाइजेशन भी यहाँ पे MIUI के साथ में बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ है, जिसके चलते आपको बहुत ही अच्छी बैटरी लाइफ इस डिवाइस में देखने के लिए मिल जाएगी। एक चीज़ की यहाँ पे कमी है, जो कि इस डिवाइस की चार्जिंग, बिकॉज यहाँ पे आपको मिल जाता है एक USB 2.0 पोर्ट, जो कि बहुत ही ज़्यादा आउटडेटेड है और ये डिवाइस सपोर्ट करता है 10 वॉट की चार्जिंग को, जो कि एक बहुत ही बेसिक चार्जिंग है एक 5000 mAh की बैटरी को चार्ज करने के लिए, जो कि थोड़ा सा टाइम ले लेगा इस डिवाइस की बैटरी को चार्ज करने के लिए। बाकी बैटरी लाइफ के मामले में ये डिवाइस बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो गाइस फाइनली बात करते हैं अगर इस डिवाइस के दुबई के प्राइस की, तो ये डिवाइस अवेलेबल है यहाँ पे दुबई में 350 dirham का, जो कि इस डिवाइस का रिटेल प्राइस यहाँ पे कैलीमी के थ्रू, और अगर इसे कन्वर्ट करते हैं इंडियन रुपीज़ में आज के कन्वर्जन रेट के हिसाब से, तो ये यहाँ पे निकल के आता है 7175, विच इज़ अ गुड प्राइस फॉर दिस एंट्री लेवल डिवाइस। मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट करता हूँ कि इंडिया में ये डिवाइस अराउंड 6 से 6,500 के बीच में आना चाहिए। और यहाँ पे अगर इस डिवाइस के होलसेल प्राइस की बात करें दुबई में, जो कि थोड़ा सा कम होगा रिटेल प्राइस से, तो यहाँ पे ये डिवाइस अवेलेबल है 330 dirham में अगर आप लेते हैं एक से ज़्यादा पीस इसके, तो यहाँ पे अगर इसे कन्वर्ट करते हैं तो ये यहाँ पे अच्छा एक प्राइस निकल के आता है, जो कि है 20.5 multiplied by 3 3 0
तो ये यहाँ पे निकल के आता है 6765, जो कि एक बहुत ही अच्छा प्राइस है इस डिवाइस के लिए। इंडिया में अगर 6 से 6,500 के बीच में होता है तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन होगा बाय करने के लिए। तो गाइस ये थी अनबॉक्सिंग इस Redmi के नए 9A स्मार्टफोन की, जो कि एक बहुत ही डिसेंट परफॉर्मर है इस प्राइस रेंज में, और यहाँ पे आपको और भी ज्यादा ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस प्रोवाइड कराता है एज कम्पेयर टू Redmi 8A फ्रॉम लास्ट जनरेशन। तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा प्राइस भी कैरी करता है। अगर आप इसके दुबई के प्राइसिंग और ग्लोबल प्राइसिंग को देखते हैं तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इंडिया में बहुत ही जल्दी लॉन्च हो जाएगा फॉर प्राइस ऑफ अराउंड 6,000 रुपीज। तो अगर 6 से 6,500 तक भी आता है तो भी एक बहुत ही डिसेंट परफॉर्मर बन जाएगा ये डिवाइस। अगर 7,000-8,000 तक जाता है तो फिर ज्यादा वर्थ नहीं होगा, तो 6,000-6,500 एक्सपेक्ट करते हैं। एंड विद दैट सेड, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी गाइस। और अगर आपको वीडियो पसंद आई और आप आगे भी इसी टाइप की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। एंड देन मैं आपसे मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में।